कर्नाटक का रेणुका स्वामी हत्याकांड पूरे देश में चर्चा में है। वजह, कन्नड़ एक्टर दर्शन का इससे कनेक्शन। एक्टर, उसकी को स्टार गर्लफ्रेंड सहित करीब 15 लोगों को पुलिस ने अब तक इस मर्डर केस में गिरफ्तार किया है। मृतक रेणुका स्वामी एक्टर दर्शन तुबुदीप का बड़ा फैन था। एक्ट्रेस पवित्रा का नाम दर्शन के साथ जुड़ने के बाद से ही वो एक्ट्रेस के सोशल मीडिया पेज पर भद्दे कमेंट्स करने लगा था। ये बात पवित्रा को पसंद नहीं आई और उसने दर्शन को बताया। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। सारे आरोपी पुलिस हिरासत में हैं, मामले की जांच चल रही है। इस बीच मर्डर की जो खतरनाक कहानी सामने आई है वो आज हम आपके साथ क्राइम कथा में शेयर करने जा रहे हैं। क्या है रेणुका स्वामी हत्याकांड? दर्शन तुबुदीप जाने माने कन्नड़ फिल्म के एक्टर हैं। बीते मंगलवार पुलिस ने उन्हें रेणुका स्वामी मर्डर केस में गिरफ्तार किया। 9 जून को रेणुका स्वामी की लाश पुलिस को नाले में मिली थी। जांच में इस केस के तार दर्शन से जुड़े और फिर दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई। रिपोर्ट है कि रेणुका स्वामी ने एक्टर दर्शन की कथित गर्लफ्रेंड पवित्रा गौड़ा के इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक कमेंट्स और मैसेज किए थे। इस वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया। कैसे सामने आया दर्शन का कनेक्शन? मामला पुलिस की नजर में तब आया जब कामाक्षी पालिया इलाके में लोगों ने लाश मिलने की सूचना पुलिस को दी। मामला पुलिस तक पहुंचा तो 2 लोगों ने पुलिस के पास पहुंचकर जुर्म कबूला और कहा कि लेन देन का विवाद बढ़ने पर उनके हाथों रेणुका स्वामी की जान चली गई। पुलिस ने आरोपियों के फोन कॉल्स की डिटेल चेक की तो उन्होंने कई बार दर्शन से बात की थी। घटना वाली डेट पर जब लोकेशन चेक की गई तो आरोपियों और दर्शन की लोकेशन सेम मिली। इस पर पुलिस को लगा इस केस के तार दर्शन से जुड़े हैं। जांच आगे बढ़ी तो पूरा मामला सामने आया और हत्या का मास्टरमाइंड दर्शन निकला। कौन था रेणुका स्वामी? अब तक सामने आई कहानी के मुताबिक चित्रदुर्ग का रहने वाला था रेणुका स्वामी। वो एक्टर दर्शन का बहुत बड़ा फैन था। वो एक फार्मेसी कंपनी में काम करता था और दर्शन से जुड़ी हर चीज पर नजर रखता था। वो चाहे दर्शन की शादीशुदा जिंदगी की दिक्कतें हों या को स्टार पवित्रा से उनका नाम जुड़ना। रेणुका को लग रहा था कि पवित्रा की वजह से दर्शन की शादीशुदा जिंदगी में दिक्कतें आ गई हैं। वो पवित्रा के इंस्टाग्राम पोस्ट पर आपत्तिजनक कमेंट्स और उन्हें मैसेज करता था। उनसे कहता था कि वो दर्शन को छोड़ दे। हालांकि इस काम के लिए उसने फेक आईडी बना रखी थी। पवित्रा को बर्दाश्त नहीं हुए भद्दे कमेंट्स। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेणुका काफी समय से गंदे मैसेज कर रहा था। वहीं पवित्रा की एक रील पर उसने एक ऐसा कमेंट किया जो पवित्रा को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने दर्शन से शिकायत की और रेणुका को सबक सिखाने की बात कही। दर्शन ने चित्रदुर्ग फैन क्लब के कोऑर्डिनेटर राघवेंद्र से बात करके रेणुका की डिटेल निकाली। इस कमेंट पर भड़की पवित्रा। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट के मुताबिक दर्शन ने पवित्रा के एक पोस्ट पर उनकी खिल्ली उड़ाई थी। उसने लिखा था, दर्शन सर तुम्हारे साथ ट्रेवल क्यों नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपनी वाइफ विजयलक्ष्मी के साथ दिखते हैं, रहने दो तुम, समाज में उनकी रखेल ही रहोगी। ये भी सामने आया है कि रेणुका कई अश्लील मैसेज के साथ अपने प्राइवेट पार्ट की तस्वीर भी भेजता था। साथ में लिखता था, दर्शन से ज्यादा दमदार है। काटी नाक और जीभ। रेणुका की पत्नी सहना के बयान के मुताबिक 7 जून की रात को राघवेंद्र ही उनके पति को ले गया था। रेणुका को उससे उसके फेवरेट एक्टर दर्शन से मिलवाने का झांसा दिया गया था। वो आया तो उसे किडनैप करके कामाक्षी पालिया इलाके में एक झोपड़ी में रखा गया। आरोप है कि वहां दर्शन ने रेणुका को बेल्ट से पीटा। बताया जा रहा है कि पीटने के बाद दर्शन वहां से निकल गया और गुर्गों को रेणुका को खत्म करने के आदेश दे दिए। उन लोगों ने उसे रॉड से दागा, लाठियों से पीटा, बुरी तरीके से टॉर्चर किया और दीवार से दे मारा। इसके बाद उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स ने बताया कि रेणुका का जबड़ा तोड़ा गया था, नाक और जीभ भी काटी गई थी। 30 लाख की दी गई थी सुपारी। बताया जा रहा है कि दर्शन ने उन लोगों को इस काम के लिए 30 लाख रुपए दिए थे। वो जो 2 लोग इल्जाम अपने सर पर लेने गए थे उन्हें 5-5 लाख रुपए दिए गए थे। पुलिस ने 30 लाख रुपए के लेनदेन की डिटेल निकाल ली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेणुका की कई हड्डियां टूटी पाई गई, 15 घाव थे और खोपड़ी की हड्डी में भी फ्रैक्चर पाया गया। इस मामले में दर्शन, पवित्रा सहित 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेटेस्ट अपडेट ये भी सामने आया है कि दर्शन ने मामले को बढ़ता देख पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स को भी 1 करोड़ रुपए ऑफर किए थे। कहा था कि रेणुका की मौत को नेचुरल डेथ दिखा दे। लेकिन अब जिस तरीके से पूरे मामले का खुलासा हो रहा है, साफ तौर पर लगता है इस कन्नड़ एक्टर की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं।